28 अक्टूबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, ऐसे में ग्रहण बेहद खास हो जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ज्योतिषाचार्यों के हवाले से बताया गया है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कई राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। वैसे तो चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण घटना माना गया है, जिसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर खास प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 4 राशि वाले लोग चंद्र ग्रहण के बाद मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है मेष राशि वालों का। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के लोगों का भाग्योदय हो सकता है। ग्रहण के प्रभाव से धन बढ़ सकता है, जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनमें सफलता मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि वालों पे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण खुशखबरी ला सकता है। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और कई काम बन जाएंगे। धन से जुड़े हुए तमाम मामले सुलझ सकते हैं, हालांकि काम में विस्तार संभव है। इसके अलावा जिसको लाभ होगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ रहने वाला है। इस दौरान कोई मन की पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, करियर बनाने की कोशिश में लगे हैं तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। चौथी राशि जिसे बेहद ज्यादा फायदा हो सकता है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभकारी बताया जा रहा है। ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहण के प्रभाव से धनु राशि वालों के करियर में तरक्की हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बहुत शुभ हो सकता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बता दें कि यह भारत में भी देखा जा सकेगा, जिसके चलते देश में सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और किसी भी तरह के शुभ काम करने की मनाही होती है। दावा किया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण रात 1:05 पर शुरू होगा, जो रात को 2:24 पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जा सकेगा। भारत के शहरों की बात करें तो भारत में चंद्र ग्रहण गुवाहाटी, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर, उदयपुर, उज्जैन, बड़ौदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून और लुधियाना समेत कई शहरों में नजर आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।